हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। और आज हम आए हैं सीहोर के गणेश मंदिर, और ये है मंदिर के अंदर का व्यू। ये देखिए, मूषक जी हैं, बच्चे कैसे खेल रहे थे वहाँ पे, घंटियाँ बजा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है। और इसका अंदर का लुक, गणपति जी का लुक खजुराहो मंदिर इंदौर जैसा है। ये देखो, ये कौन कन्या क्या क्या मांग रही है मूषक के कान में बोल के पंडित जी बैठे हुए हैं। और ये हमारे गणपति जी, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से पंडित जी को अपन प्रसाद दे सकते हैं, फिर पंडित जी अपन को रिटर्न कर देते हैं। और जो मंदिर के अंदर स्वास्तिक वगैरह सिंदूर से बना देता है उसका 500 का जुर्माना है, बाहर बना सकते हैं अपन। हनुमान जी हैं, ये भैरव बाबा हैं, और ये गणपति जी और हैं, और ये खाटू श्याम भगवान हैं, भैरव बाबा हैं, बहुत सारे भगवान हैं। और यहाँ पे अपन मन्नत का धागा या फिर वो अगरबत्ती पॉलिथीन भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने स्वास्तिक बनाया, इसका भी बहुत अलग कहानी है। अगर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं तो अपन मनोकामना मांगते हैं, और जब अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है तो सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। लेकिन मैंने गलत उंगली से बनाया, हमेशा स्वास्तिक ये तर्जनी उंगली से बनाते हैं, मिडिल फिंगर से नहीं बनाते, इससे क्रोध होता है। लेकिन मुझे पता नहीं था, इस वजह से मैं भूलवश बना के आ गया, उसके लिए सॉरी। भूल से हुई गलती को भगवान गलती नहीं मानते, वो फिर माफ़ कर देते हैं। और जब हम मंदिर आए थे तो बहुत तेज़ गर्मी थी, मैंने सोचा था क्या इससे बादल हो जाए, अच्छा मौसम हो जाए। और यहाँ देखो, जब पूजा करके निकले और देखो इतनी तेज़ बारिश हुई, इतने ओले गिरे, और आप यकीन नहीं मानोगे, एक ओला तो इतना बड़ा था कि दो तरबूजों के बराबर, मतलब कोई नीचे खड़ा होता तो निपट जाता। देख रहे हो आप, पूरी सड़क वाइट वाइट हो गई, इतने ओले गिरे, गाड़ी या बाइक ही गिर गई थी, और कुछ बाइकें दूर गिर गई थी। ये देखो ये कितने पानी पानी, ये धम धम धम, ओले ओले गिर रहे हैं। ठेले वाले अपने ठेला छोड़ के भग गए हैं, अलग ही मतलब। और दो घंटे पानी का वेट करने के बाद फिर थोड़ा मतलब हम निकल गए, लेकिन फिर भी भीग गए, और फिर हम सूख गए। फिर हम बिरला मंदिर पहुँचे, और फिर वहाँ से आते में भीग गए। तो हमें सब्सक्राइब कर लो फटाक से।